टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे बस जस्ट पहुँचा ही हूँ, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है यहाँ पे। बाकी अपना चेक इन करने के बाद आपसे जल्दी से मुलाकात करता हूँ। तो गाइस चेक इन कर लिया है, बोर्डिंग पास हमारे पास आ चुका है। अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा का और ई वीज़ा का जो भी प्रोसेस है वियतनाम का, वो कितना डिफ़िकल्ट है इंडियंस के लिए और क्या क्या चीज़ें हमें हमारे पास होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट वियतनाम इमिग्रेशन हमसे मांगता है। बस बिल्कुल अभी सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गया है। इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ था, इमिग्रेशन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगा। बट सिक्योरिटी चेक में बहुत टाइम लग गया, कम से कम 1 घंटे के आसपास लग गया। अब हम पहुँचे हैं ड्यूटी फ्री। फॉर ऑल द दारू लवर्स दिस इज द बेस्ट प्लेस। अभी हमारी फ़्लाइट बोर्ड होने में 1 घंटा है, तो अभी हम जा रहे हैं लॉन्च। तो लॉन्च एक्सेस के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, आपके क्रेडिट कार्ड पे ये फीचर ज़रूर होता है जिन पे आपको लॉन्च एक्सेस मिलता है। किसी के कार्ड में 2 रुपये, किसी के 5 रुपये, किसी के 10 रुपये या किसी के शायद 200 रुपये। तो उसके अंदर आप लॉन्च एक्सेस जा सकते हैं एंड वहाँ पर आप जाके कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस, जिसके लिए आपको अपने बैंक से कन्फर्म करना पड़ेगा कि आपके क्रेडिट कार्ड में एक वो फीचर है कि नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने ये प्रीमियम लॉन्च है, वो यहाँ पे VIP लॉन्च में T3 पे, जिसमें सिर्फ 25 रुपीज़ में मेरे पैक मिला है। इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल था और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 5 मिनट लगे या मैक्स 10 मिनट लगे इमिग्रेशन कंप्लीट करने में। अभी मैं हूँ यहाँ पे बैगेज कलेक्ट करने के लिए अपना। मैं हूँ अभी इस टाइम पे वियतनाम की कैपिटल हेनोई में। इमिग्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं बस बाहर निकल रहा हूँ एयरपोर्ट से। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ से आपको सिम मिल सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक मूवी फ़ोन की शॉप है और एक उस साइड मनी एक्सचेंज भी है और कुछ ATMs भी बने हुए हैं। मैं हूँ इस टाइम पे एयरपोर्ट के बाहर और बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से 86 नंबर बस सीधा ओल्ड क्वार्टर रोड पे पहुँचा देगी, जो कि सिर्फ आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मैं पहुंचा हूं यहां पे, मेरी बस ने मेरे को जस्ट पीछे ही उतारा है, 5 मिनट की वॉक थी और मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारी जो स्ट्रीट है, रात को ऐसा सुना है मैंने कि यहां पे महफिल जमती है, बहुत पार्टी होती है, तो रात को पता चलेगा। यहां से जस्ट 200 मीटर पर मेरे को मेरा हॉस्टल दिखा रहा है। बहुत जल्दी जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे को अर्ली चेक इन देंगे नहीं देंगे। मैंने रिक्वेस्ट डाली थी अर्ली चेक इन की, बट अब वो डिपेंड करता है कि उनके पास रूम्स अवेलेबल है कि नहीं है। बस हॉस्टल तो दिख गया है मेरे को मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने है बफेलो हॉस्टल, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है जैसा कि फ़ोटोज़ पे था। बाकी तो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी इस टाइम पर कि ये कैसा हॉस्टल है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा हॉस्टल है। काफ़ी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, एयरपोर्ट से निकला था, काफ़ी बारिश हो रही थी, यहाँ थोड़ी सी बारिश रुक गई है। तो ये हॉस्टल है, तो आओ चलते हैं हॉस्टल के अंदर। हेलो,
Yes. I have a booking. You have a booking? Yes. Could I have the name room for one night? But right now the room is not ready. Oh, it's not ready? So how long it will take? Not sure. They haven't checked out. Okay, no problem. I'll wait. Okay? Thank you. So room to be available nahi hua hai. टाइम लगेगा तो मैं पूछ रहा हूँ हॉस्टल दिखा देता हूँ. ये हमारा हॉस्टल है जैसा कि फोटो में था वैसा ही है. स्विमिंग पूल भी है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो मैं हूँ अभी यहाँ पे जस्ट अपने हॉस्टल के साथ में एक छोटी सी गली है उसके अंदर कॉफ़ी पीने आया हूँ. काफ़ी थक गया था क्योंकि अभी हॉस्टल में चेक इन तो अभी दे नहीं रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह 7:30 बज रहे हैं यहाँ के और चेक इन टाइम जो है वो तकरीबन 2 बजे के आसपास का है. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि जितना जल्दी हो सके उतनी उनको तो चेक इन दे दें तो ज़्यादा बढ़िया है. तो अभी तो हम कॉफ़ी पी रहे हैं. आई लाइक आपको अच्छी लग रही हो कॉफ़ी. मैं भी टेस्ट करके बनाता हूँ कि ये कैसी है. तो इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ेगा. ये मिल्क कॉफ़ी है जो मैंने ली है. वैसे तो लोग यहाँ पे बिना मिल्क के भी कॉफ़ी ले लेते हैं लेकिन उसका कलर बहुत डार्क है. बहुत ज़्यादा डार्क है. उसका कलर काफ़ी गर्म है. काफ़ी मीठी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ये है यहाँ पे इस टाइम सुबह सुबह 7:30 बजे. आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. मतलब रात को 4 बजे तक 3 बजे तक यहाँ पे रात को पार्टियाँ होती हैं ऐसा सुना है मैंने. और सुबह सुबह 7 बजे ये लोग इतने एक्टिव हो जाते हैं. सारी शॉप्स खुल जाती है वहाँ हर जगह लोग बैठे हैं कॉफ़ी पी रहे हैं. भाई रूम तो मिल नहीं रहा है. हालत ख़राब हो चुकी है. बहुत ट्राई किया मैंने कि रूम लेते हैं बोला थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी ले लो. आंखें तक नहीं खुल रही हैं अब. बट कुछ नहीं कर सकते हैं. हमें वेट ही करना पड़ेगा. और कुछ घंटों की बात है. आपको सिर्फ बेड चाहिए और सोना है. बाकी अगर हम वीज़ा की बात करें तो वियतनाम से इंडिया का वीज़ा का प्रोसेस बहुत सिंपल है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको एक मैं लिंक दे दूँगा. उसमें आप सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है. आपको अपना पासपोर्ट की कॉपी देनी है. एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है. $25 की फ़ीस है. और $25 पे करने के बाद 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा. 3 working days. मेक श्योर कि वियतनाम में कोई छुट्टी ना हो कोई नेशनल हॉलीडे ना हो. कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया था फ्राइडे सैटरडे को और मेरा वीज़ा आया थर्सडे को. लकीली मेरी फ़्लाइट भी थर्सडे की थी. अगर नहीं आता तो मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती. बट अच्छा हुआ. एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरे साथ में मैंने वियतनाम की काफ़ी सारे यूट्यूब देखे थे. यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे थे जिसमें उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताया कि मैं ड्रोन कैरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ ड्रोन भी था. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कहीं मेरा वो ड्रोन ना पकड़ ले या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो ड्रोन को लेकर. मैंने अब तक फ्लाई तो किया नहीं है जैसे कि मेरा पहला ही दिन है. अभी तो मैं आई हूँ सिर्फ. बट मैं जल्दी फ्लाई करूँगा और देखी जाएगी जो भी होगा. बाकी इमिग्रेशन पे इंडिया से निकलते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आई. 5 मिनट के अंदर इमिग्रेशन हो गया था लेकिन सिक्योरिटी चेक पे जैसे मैंने आपको बताया था कम से कम 1 घंटा लग गया. 7:20 पे मैं एयर दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पर पहुँचा था और 9:20 तक या 9:30 बजे तक मेरा सारा का सारा इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक और बाकी जो भी चीज़ें थी वो सब कंप्लीट हुई थी. और उसके बाद मैं लॉन्च चला गया था. आधा घंटा वहाँ बैठा. उसके बाद सीधा फ्लाइट में बैठा. फ्लाइट में जाते सो गया था. अच्छी बात है. अभी भी हालत बहुत ख़राब है बट कोई बात नहीं. तो उसके बाद फिर जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा यहाँ पे उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा. मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल मैंने रिटर्न टिकट नहीं कराई है. मैं सिंगल टिकट करा के यहाँ पे पहुँचा हूँ. मेरे को लगा था कि वो मेरे से पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो कितने दिन के लिए जा रहे हो आपकी होटल ऑफिस क्या है इंश्योरेंस क्या है. जबकि मैं सब करा के गया था सिर्फ रिटर्न टिकट को छोड़ के बाकी सब मेरे पास सब कुछ था. मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसा कुछ करो. आप ज़रूर अपने रिटर्न टिकट लेके आना. बाकी हॉस्टल अच्छा है ये. मैं 2 दिन यहीं पर हूँ. अभी हॉस्टल काफ़ी अच्छा लग रहा है. लोग भी अच्छे हैं मिल रहे हैं. इंडियंस भी आए हुए हैं. बाकी मिलते हैं जल्दी आके खोल के. हॉस्टल में मैंने चेक इन कर लिया है. एक्चुअली हॉस्टल का चेक इन का टाइम 2 बजे का होता है और मैं बहुत अर्ली पहुंच गया था. तकरीबन 7 या 8 बजे. तो मेरे को काफ़ी वेट करना पड़ा रूम लेने के लिए. तो अब मेरे को रूम फाइनली मिल गया है. मेरे को भूख लगी थी. मैं बाहर कुछ खाने जा रहा था. मैंने ATM से पैसे भी निकाल लिए हैं. तो ATM से मेरे को जो रेट मिला है वो मिला है 276 रुपीज़. जबकि मैंने जब एयरपोर्ट पर पता किया था कन्वर्जन रेट तो तब वो रेट मेरे को दे रहे थे 250.
तो ATM से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आपको करेंसी एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आइए ATM से पैसे विड्रॉ करिए, क्योंकि मेरे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगाई है मेरे बैंक ने। इसके अलावा मैंने सिम भी ले लिया है यहाँ से, तो जो सिम है वो पड़ा है मेरे को 720 रुपये या 739 रुपये का, जिसमें मेरे को 30 दिन का 5 GB का डेटा वो डेली बेसिस पे देंगे, जिसमें 150 GB होता है, विच इज़ मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। बाकी मैं जा रहा हूँ यहाँ की एक फेमस डिश खाने, जिसका नाम है बानमी। वो प्लेस है जो काफ़ी फेमस है अपने बानमी फू के लिए, और देखा जाए तो ये वैसे मैंने दिखा के देखा नहीं है, पर ये एक तरह से हमारे सब्वे की तरह है, बट ऑब्वियसली टेस्ट अलग है और इनका बनाने का स्टाइल भी अलग है। तो अभी खा के देखते हैं कैसा है। तो ये है फाइनली बानमी फू, बिल्कुल, पर इसकी जो डोग है वो काफ़ी क्रंची लग रहा है। इसको खा के देखते हैं कैसा है। सब्वे की तरह तो बिल्कुल नहीं है, पर ये काफ़ी टेस्टी है। इसका बहुत डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है, चिकन का भी और उसके अंदर वेजीज डाली हैं वो भी। तो भाई अभी बस चलते हैं यहाँ से। इनकी एक फेमस एक और डिश है फेमस बुन चा करके, और वो मैंने मैप पे डाल रखा है, तो वो कुछ 1 किलोमीटर दिखा रहा है, वहाँ पहुँचता हूँ फटाफट और दिखाता हूँ आपको कैसा है। और वो फेमस इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है ओबामा, वो भी यहाँ पे आके खा चुके हैं। भाई ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला था, लेकिन बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, और अगर आप देखो बस आगे रेड लाइट दिख रही है, वहाँ से बस लेफ्ट लेते ही पहुँच जाऊँगा मैं यार, जो बुन चा खाने के लिए जो जगह है वहाँ पे, ये वो जगह है बुन चा करके, और एक्चुअली नाम तो कुछ और है रेस्टोरेंट का, बुन चा तो डिश है। और जैसे कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये ओबामा भाई साहब आए थे यहाँ पे और खा के गए थे, तो फटाफट यार ट्राई करते हैं एक बार। तो भाई चिकन का ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, अगर आप मेन्यू देखोगे अगर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन है हमारे पास ग्रिल्ड पोक। तो मैंने ये ग्रिल्ड पोक ही ऑर्डर किया है, और देखते हैं एक बार ये खाने में कैसा है। बाकी तो अभी वो प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ को, और 50,000 डॉन का मतलब तकरीबन 150 रुपये के आसपास का ये पूरा ऑर्डर आएगा। तो जैसे ही आता है मैं फिर आपको दिखाता हूँ और टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है, कि ये वर्थ है कि नहीं है। तो भाई ये तो राइस है, तो एक्चुअली मैं ये बता रहे हैं कि इस राइस को ऐसे लेना है और इसके अंदर डिप करना है इस चीज़ के अंदर, और उसके बाद टेस्ट करके देखते हैं इसको कैसा है। एक्चुअली मैं चिली भी डालूंगा, और ज़्यादा चिली बहुत स्पाइसी है, तो देखते हैं यार एक बार कैसा है ये खाने में। तो हाँ, एक फटाफट बाइट लेता हूँ मैं और बताता हूँ आपको यार। यार बहुत ज़्यादा जो टेस्ट आ रहा है वो एक्चुअली ये चिली है, अब मैं खा रहा हूँ ये, बहुत स्पाइसी आ रही चिली, मैं आपको बताऊँगा अगर। तो बाकी अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट अगर आ रहा है, तो वो सोया सॉस का बहुत टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, जो पोक है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रिल करा हुआ है, अच्छा टेस्ट है इसका काफ़ी, और ये एक्चुअली बहुत टेस्टी है। तो भाई खाना तो हो गया है, जितना खा सकता था मैंने उतना खा लिया, क्योंकि तो इससे ज़्यादा तो भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बाकी ये जो है ये बहुत शरारती हैं, ये बहुत तंग कर रही थी हमें, खाना नहीं दे रही थी। बाय बाय। यहाँ से मेरा हॉस्टल शुरू होता है, बफेलो हॉस्टल ओल्ड क्वार्टर रोड पे, और ये वो स्ट्रीट है। आगे बहुत शोर है, बहुत शोर है, मेरे को नहीं पता मैंने जो वीडियो में रिकॉर्ड किया है उसमें जो कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा शोर है। ये रोड बिल्कुल शांत है, लेकिन यहाँ पे भी दोनों तरफ पब्स बने हुए हैं, जो कि मैंने चेक किए थे, तो शायद ये 3 बजे तक सुबह 4 बजे तक खुले होते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, मैं बहुत थक गया था, और आया मैंने 2 बियर पी और मैं सो गया। उसके बाद जब मैं उठा, काफ़ी शोर आ रहा था मेरे हॉस्टल से इतनी दूर तक भी, तो मैं नीचे आया रेडी होके, फ्रेश होके नीचे आया। उसके बाद मैंने देखा तो और आंखें खुली की खुली रह गई, इतनी भीड़, इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं है। जैसे ही आप ये
बिल्कुल बियर कॉर्नर पे पहुंचोगे तो ये है यहाँ की फेमस बियर कॉर्नर, और मेरा जो हॉस्टल है वो यहाँ से थोड़ा सा पीछे है बस, और आप देख सकते हैं यहाँ के नज़र। आगे तक पूरी भरी हुई है, ये यहाँ का सामने सामने की रोड जैसे कि आप देख रहे हो क्या पैर है, पैर रखने की जगह नहीं है ना ही साइड जगह है, बस अभी थोड़ी देर में बैठते हैं कोई अच्छी सी जगह लेके। तो मैंने खाने की ऑर्डर किया है कुछ दिन साइड चिकन, तो खा के देखते हैं कि ये कैसा है, देखने से तो ठीक लग रहा है, बाकी खाने के बाद ही पता चलेगा। हमारे इंडिया के जैसा तो नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे फिश ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं हर खा हर चीज़ में, तो इसका एक अलग टेस्ट आ रहा है, बट फिर भी ठीक है। के हिसाब से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो बाकी यहाँ जैसे अगर आप मेरे पीछे देखोगे यहाँ काफ़ी टैक्सी और काफ़ी जैसे ये बंदा जो मेरे पीछे बैठा हुआ है स्कूटी पे, ये काफ़ी इसने बड़ा ट्राई किया मेरे को ये मेरे को कन्विंस कर ले कि अगर मेरे को कोई लड़की चाहिए यहाँ पे मेरे को पार्टी करने जाना है, और इससे मेरे को अपने फ़ोन पर काफ़ी फोटोज़ भी दिखाई, तो आप देख सकते हैं अगर आपको जैसा भी आपको ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ बहुत अच्छा था आज का दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा पहला दिन था यूट्यूब पे, मेरा पहला वीडियो है, मेरा पहला सोलो ट्रिप है, सोलो इंटरनेशनल ट्रिप है, तो अभी तक सब अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लंबा प्लान है मेरा, अभी वापस घर जाने का कोई प्लान नहीं है और आगे बहुत कुछ आने वाला है, तो अभी देखते हैं हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ये मौसम हमें रूट्स दे रही है इस टाइम पर, नो थैंक यू, तो इतना ही बोलूँगा, अभी मेरे को बहुत चीज़ें नहीं आती हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से मैं यहाँ वियतनाम आ पाया, किस बजट क्या बजट मैंने प्लान किया है, किस बजट में मैं आना चाह रहा हूँ यहाँ पे और कितना बजट लेके मैं आया हूँ, कब तक के लिए आना चाहिए आपको कल बताऊँगा, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।